भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म, भीष्म क्यूब। मैंने जेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन आवाम की तरफ से दी गई। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशनल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरी। इमरजेंसी की स्थिति में इस हॉस्पिटल को मुश्किल से मुश्किल जगह पर उतारा जा सकता है, चाहे फिर वो जंग का मैदान हो या फिर भूकंप और बाढ़ से प्रभावित इलाका। ये जो मेडिकल असिस्टेंस है इसको बहुत सारी जगहों में दिखाया गया, ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को। उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट। इंडिया ने जो चीज़ की है उसने कहा कि एक तो ले जाओ क्या उसे बोलते हैं कौजी, हम आपके साथ हम आपके लिए लेके आए हैं दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। देखिए ना, जंग ज़दा इलाका, वहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं, दिस इज़ अनबिलीवेबल। सल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं, उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ। ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ, उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट, मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन्स के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशनल ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंग ज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है
for Sehog, Hita and Maitri. This project announced, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट टू प्रोवाइड रैपिड मेडिकल एड इन डिजास्टर एरियाज, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स. द भीष्म क्यू जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है, जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज विद ए फोकस ऑन रैपिड रेस्पॉन्स एंड कॉम्प्रीहेंसिव केयर. द यूनिट का जो इसका वेट है 720 किलोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ 72 इजी ट्रांसपोर्टेबल कॉम्पोनेंट्स. दीज कॉम्पोनेंट्स कैन बी कैरिड बाय हैंड, साइकिल, ड्रोन, ऑफरिंग अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लॉयमेंट. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिजाइन, ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट. ए क्रिटिकल फीचर इन इमरजेंसीज वेयर एवरी सेकेंड काउंट्स. कैन यू बिलीव इट? दिस इज अनबिलीवेबल. लेकिन जैसा मैंने कहा, मतलब इसकी हम तारीफ क्या करें, ये तो जो नज़र आ रहा है वो खुद इसमें यह है कि वाटर प्रूफ डिज़ाइन एंश्योर्स ड्यूरेबिलिटी इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स, मेकिंग इट सूटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एमरजेंसी सिनेरियोस फ्रॉम एयर ड्रॉप्स टू ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन. अच्छा, अब ये जो भीष्म है, जैसे मैंने कहा कि ये इंटीग्रेट्स है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, फैसिलिटेटिंग द रियल टाइम मॉनिटरिंग, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑन द फील्ड. ठीक है जी. फिर ये है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये अलाउ करती है टू प्रिसाइज ट्रैकिंग ऑफ मेडिकल सप्लाइज इंक्लूडिंग देयर यूजेज एंड एक्सपायरी, इंश्योरिंग दैट द यूनिट इज ऑलवेज रेडी फॉर सब्सिक्वेंट डिप्लॉयमेंट्स. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ RFID टैगर्ड इक्विपमेंट फर्दर एनहांसेस द क्यूब्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एनेबल क्विक रीपैकिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट. इसमें यह है कि इंडियन एयरफोर्स IAF सक्सेसफुली टेस्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द भीष्म क्यूब इन May 2024. आगराज मालपुरा ड्रॉपिंग जोन, द क्यूब वाज एयर ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1500 फीट. है, लेकिन ज़ेलेंस्की थोड़ा सख्त मूड उसने रखा है. दोनों मुल्कों ने जो है वो आपस में कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो जारी बात है एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से MOU साइन किए हैं. इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस है वो भी साइन किए हैं. सो बड़े पैमाने पर इंडिया ने इस ये चीज़ जो है वो की है.